हाउ टू टर्न ऑफ डायरेक्ट मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं इंस्टाग्राम से, क्योंकि उनको आलतू फालतू मैसेजेस आते रहते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर करे तो करे क्या। अगर वो प्राइवेट अकाउंट भी कर लेंगे तो आजकल सेंड मैसेजेस का ऑप्शन आ जाता है एंड पब्लिक है तो मैसेज कर ही सकते हैं, एंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर देखते हैं तो पूरा मूड खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ आलतू फालतू मैसेजेस आके भर जाते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि काश ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे ऑप्शन रहता जो हमारे इंस्टाग्राम को मैसेज का ऑप्शन जो है वो डिसेबल ही कर दे। तो हाँ, बिल्कुल आप सही वीडियो को देख रहे हो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम का एक फीचर जो काफी दिन पहले आया हुआ था लेकिन काफी कम लोग जानते हैं, जिसमें आप अपने इंस्टाग्राम के मैसेज वाले ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी रेंडम पर्सन मैसेज नहीं कर पाएगा। अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुबह दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो अब मैं आपको फोन की स्क्रीन पे लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस के ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी रेंडम पर्सन मैसेज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे चले जाना है। तो दोस्तों, ये मेरा क्रेजी टेक सॉल्यूशन का न्यू आईडी है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरा न्यू इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें मैं कुछ रील्स डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पर से कुछ लेटेस्ट रील्स देखने को मिलेंगे, आप भी देख सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अब यहाँ पर से आपको करना क्या है, ऊपर आपको थ्री लाइन दिख रहा है, थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर से सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है, जिससे आप अपने मैसेज के ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो और आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रह सकते हो फालतू मैसेजेस से। अब आपको अपने सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर से इंटरफेस शो होगा। ये मेरा अभी पब्लिक अकाउंट है जो कि आपको यहाँ पर से शो हो रहा है। अब थोड़ा सा आपको नीचे आना है, ये जो है इंटरेक्शंस पे आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मैसेजेस का, आपको मैसेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है जिसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर से आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल रहा है पोटेंशियल कनेक्शन, यहाँ पर से योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पर से डिलीवर रिक्वेस्टेड टू, आपको यहाँ पर से दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला है मैसेज रिक्वेस्टेड और दूसरा है डोंट रिसीव रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी रेंडम पर्सन मैसेज करे और वो रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे दिखे तो आप ये ऑप्शन को ऑन इनेबल कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके रिक्वेस्टेड में भी कोई मैसेज ना रहे तो आपको यहाँ पर से डोंट रिसीव रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर से देख सकते हो अपडेट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो डोंट रिसीव रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पर से इनेबल कर दिया है। अब आपको कोई भी आपके फॉलोअर और फॉलोइंग के अलावा अगर आपको कोई भी रेंडम पर्सन अगर आपको मैसेज करता है तो वो मैसेज उनको सेंड ही नहीं होगा। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी मैं आपको सेटिंग समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको लाइव मैसेज करके दिखाने वाला हूँ कि कैसा आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा बैक आना है और अब आपको यहाँ पर से अदर पीपल का भी एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर से आपको पीपल ऑन फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर से आपको एक दो ऑप्शन मिल रहा है मैसेज रिक्वेस्टेड का और डोंट रिसीव रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ भी डोंट रिसीव रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है इस तरीके से। तो ये दोनों सेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी रेंडम पर्सन आलतू फालतू मैसेजेस करे ही ना और आपका जो रिक्वेस्ट ऑप्शन है वो भले ना फालतू मैसेजेस से। तो आप इन ऑप्शन को यहाँ पर से चेक कर लीजिए और इन सेटिंग्स को आपको अलाउ कर लेना है। तो इस तरीके से आपको इन सबको कर लेना है। अब मैं अपने दूसरे अकाउंट पे चले जाता हूँ जो कि मेरा शुभ डॉट कुशवाहा है। अब मैं इस अकाउंट से उनको मैसेज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर से मैं अपने न्यू आईडी में आ गया हूँ। यहाँ पर से देख सकते हैं मैंने दूसरा आईडी यहाँ पर से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर से मैं सर्च वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और उस अकाउंट को मैंने यहाँ पर से सर्च कर लिया। ओके, अब यहाँ पर से मैंने इस अकाउंट को फॉलो नहीं किया है, देख सकते हो यहाँ पर से मैंने अभी इस अकाउंट को फॉलो नहीं किया है। अब मैं मैसेज वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। तो जैसे ही मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर से आपको मैसेज का तो ऑप्शन मिल जाएगा, पर यहाँ पर से मैं जैसे ही मैसेज करूँगा हाय हेलो करके, देख सकते हो यहाँ पर से जैसे ही मैंने हाय करके मैसेज किया उनको, तो यहाँ पर से देख सकते हो दिस अकाउंट कॉन्ट रिसीव योर मैसेज बिकॉज दे डोंट अलाउ न्यू मैसेजेस रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी वन। मतलब इस अकाउंट
में हम मैसेज नहीं कर सकते हैं अगर हम उनके फॉलोअर या फॉलोइंग में नहीं हैं। अब मैं आपको वापस से उसी अकाउंट पर ले जा कर दिखा देता हूँ, क्रेजी टेक सॉल्यूशन के अकाउंट में। तो यहाँ पर से मैं जैसे उस अकाउंट पर आऊँगा, तो यहाँ पर से मैं जैसे मैसेज वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पर से मुझे कोई मैसेज रिसीव भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग भी इस सेटिंग का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।